हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे अगले कुछ घंटे आपके पर्सन आपके बारे में क्या कुछ सोचने वाले हैं, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स अगले कुछ घंटे आपको लेकर क्या रहने वाली हैं, इनके इमोशंस क्या रहने वाले हैं, इस पर्सन के दिल दिमाग में क्या कुछ चलने वाला है अगले कुछ घंटे, यही देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम से हमारे पास आया है सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं टेम्परेंस, एट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सोर्स। और यहाँ पर साइन है कुंभ मिथुन तुला एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा मेष सिंह धनु एरीज लियो सजिटेरियस एंड मीन कर्क वृश्चिक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं के व्यूवर्स। और यहाँ पर आपके लिए 7 और 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या आपकी बर्थ डेट्स, बर्थ मंथ्स या फिर आपके पार्टनर की भी हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए ये नंबर्स लकी हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में आपको मिलने जा रही है। तो इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ घंटे ये पर्सन ना अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए नज़र आएंगे। इस पर्सन को ऐसा लगने वाला है कि ये तन्हा रह गए हैं, इनका कोई अपना नहीं है जिससे ये अपने दिल की बात शेयर कर सकें, तो ये काफ़ी अकेलापन फील करेंगे। इस पर्सन को ऐसा महसूस होने वाला है जैसे कि इस मुश्किल वक्त में इस पर्सन का सबने ही साथ छोड़ दिया है, इस मुश्किल वक्त में इस पर्सन के साथ कोई भी नहीं है। और ऐसा इसलिए रहने वाला है क्योंकि ये पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, चाहता बहुत है, इस पर्सन की चाहत बहुत है आपके लिए कुछ करने की, बट ये नहीं कर पा रहे हैं, खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, ट्रैप्ड होकर रह गए हैं ये पर्सन किसी सिचुएशन में। कोई ना कोई प्रॉब्लम इस पर्सन के जीवन में ऐसी है जिसकी वजह से ना तो ये आपके लिए पॉजिटिव रह पा रहे हैं, ना ही आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं और ना ही इस नेगेटिविटी से बाहर निकल पा रहे हैं। तो ये पर्सन कोशिश तो करेंगे अगले कुछ घंटे इस नेगेटिविटी से बाहर आने की, आपके लिए कुछ करने की। तो यहाँ पर इस पर्सन की कोशिशें बहुत ज़्यादा हैं, बट फिर भी इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि इसका कोई अपना नहीं है कि इसके इस मुश्किल वक्त में इसका साथ दे सके। आपके लिए जो कुछ करना चाहता है, जो एफर्ट्स लेना चाहता है ये पर्सन, उसमें इस पर्सन की कोई मदद कर सके, तो ये पर्सन खुद को अकेला और तन्हा महसूस करेगा। और इस पर्सन को और आपको दोनों को ही ऐसा महसूस होने वाला है जैसे कि आपके और इनके रास्ते में ना बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जो आप दोनों के बीच ना नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के मन की बात को कोई नहीं समझ रहा और ये दुख आपको भी है और आपके पर्सन को भी है। और आप दोनों के जो लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, आपको भी ऐसा लगता है और आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि बाहरी लोगों का ना इंटरफेरेंस कुछ ज़्यादा ही हो गया है, जिसकी वजह से आप दोनों को ना एक दूसरे को समझना भी मुश्किल पड़ रहा है। आप अपने पर्सन को समझना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और आपका पर्सन ये समझना नहीं चाहता कि आप क्या चाहते हैं या क्या सोच रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव है और नेगेटिविटी की वजह से ना ये पर्सन आपसे डिस्टेंस बना रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए डिस्टेंस बनाना ही इस पर्सन को इस वक्त सही लग रहा है। बट ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते, ये चाहता है अपनी लव लाइफ को, अपनी लाइफ को बैलेंस करना, आपके लिए कुछ एफर्ट्स डालना इस रिलेशनशिप में, बट यहाँ मजबूर है ये पर्सन, इसलिए नहीं कर पा रहा। खुद को अकेला और तन्हा अगले कुछ घंटे भी ना महसूस करने वाला ये पर्सन एकांत में रहेगा, काफ़ी सोचेगा, ओवरथिंकिंग करेगा और कोई ना कोई नतीजे पर पहुंचने की ये कोशिश ज़रूर करेंगे। ओके व्यूअर्स, और अगले कुछ घंटे ये पर्सन आपको अपनी यादों से, अपने ख्यालों से निकाल नहीं पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो अगले कुछ घंटे ना इस पर्सन की करंट फीलिंग्स, इसके थॉट्स, इसके विचार इसी तरह के रहने वाले हैं, इनकी फीलिंग्स में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आएंगे। ओके व्यूवर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और अगर थोड़ा भी रेजोनेट की है, आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली है, आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, तो मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।